हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जैन नर्सिंग क्लासेज जयपुर। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, तो उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बेवजह हाई कोर्ट ना जाएं। और कुछ जेन्युइन रीज़न है तो आपको हाई कोर्ट का सहारा लेना भी पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम देखें कि कौन सा बेवजह है हाई कोर्ट जाना और कौन से कारण है वो जेन्युइन कारण है जिसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेवजह हाई कोर्ट ना जाएं, किसी अंक या परसेंटेज ज़्यादा है और लिस्ट में नाम नहीं है वो शिफू को एप्लीकेशन दो। बाकी कोई ये कहे कि बोनस अंक दलवा दूंगा या हटवा दूंगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। एक पैसा किसी को भी नहीं दें आप, फर्जी लोग बाहर होंगे विश्वास रखें, भर्ती प्रक्रिया रुकेगी नहीं। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फर्जी लोगों के बारे में शिफू और चिकित्सा विभाग को सूचना दें। बाकी बेवजह कोर्ट जाने से बचें, दलालों से सावधान रहें। ओके, तो ये सूचना जनहित में जारी कर दें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आपका सच में परसेंटेज ज़्यादा है, कट ऑफ जो सबसे कम गई है उससे ज़्यादा है और आपका लिस्ट में नाम नहीं, तो आप शिफू जाएं, और शिफू नहीं सुनता उसके बाद आप कोर्ट जाएं, बेवजह दलालों के चक्कर में ना फंसें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि जो फायर वॉल्ट एक कंपनी का नाम आया है, प्रोडक्ट का नाम आया है, साथ ही साथ एक 1933 डेट ऑफ बर्थ आई है, तो ये टेक्निकल एरर भी हो सकते हैं। 1933 कोई बड़ी बात नहीं, उसका करेक्शन हो सकता है, तो उसमें आप कोर्ट केस जाओगे, आपका दलाल पैसे खाएगा और कुछ नहीं होने वाला उससे। हाँ, फायर वॉल्ट है वो एक गलत है, वो अनियमितता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के अंदर अनियमितता होना एक आम रीज़न हो सकता है, क्योंकि अपन भी कभी कभी गलत भर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, गलत तरीके से भरने में आ जाता है। एक हो सकता है कैंडिडेट से ही गलत हुआ हो, हो सकता है जो बाबू वगैरह जो लिस्ट तैयार करते हैं उनसे हुआ हो, तो इस तरीके से आप कोर्ट नहीं जा सकते ऐसे मुद्दों को लेके। बाकी फायरवॉल जो नाम आया उस मुद्दे को लेके जा सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक ही साथ तीन तीन फॉर्म भरे हैं, सेम फादर्स नेम सेम कैंडिडेट नेम, लेकिन उनकी एप्लीकेशन आईडी अलग अलग है दोस्तों, तो वहाँ पर कैंडिडेट गलत है, वहाँ पर बोर्ड जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो गलत नहीं। हाँ, अनियमितता है, लेकिन मैं आपके ऊपर एग्जांपल लेता हूँ कि यदि आप फॉर्म भर रहे हो, आपने एक फॉर्म भरा अलग मोबाइल नंबर से भरा, अलग एप्लीकेशन आईडी होगी उसकी, आपने दूसरा फॉर्म, क्यों फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट नेम्स खूब सारे मैच करते हैं, लेकिन आप एप्लीकेशन आईडी देखो बहुत सारी चीज़ें उसमें डिफरेंट हैं, तो उस पर भी आपको किसी प्रकार का मुद्दा नहीं उठा सकते मेरे हिसाब से, जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है। दूसरा बात, इस तरीके का एक मुद्दा और लेके आता हूँ, सिर्फ ये मुद्दा मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूँ, किसी कैंडिडेट को मैं यहाँ पर मतलब ठेस नहीं पहुँचाना चाहता किसी प्रकार का, उनका यहाँ पर जो उजागर है उनका जो मामला वो मैं उजागर नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस से इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ किसी को पर्टिकुलर। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैंडिडेट है, निर्वया शेखावत, क्या नाम है इनका, निर्वया शेखावत, सन ऑफ किशोर शेख, डॉटर ऑफ किशोर शेखावत, ये CHA की लिस्ट है जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के, ये जनरल कैटेगरी से आते हैं, ये इनके परसेंटेज वगैरह दे रखा है, मतलब इन्होंने CHA के अंदर जो फॉर्म भरा था वो जनरल कैटेगरी से भरा था, और NO की जो भर्ती है उसी के अंदर इनका सेम आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फादर्स नेम वगैरह, निर्वया शेखावत, और यहाँ पर उन्होंने फॉर्म लगाया वो SC कैटेगरी से लगाया, मतलब CHA में जनरल थे और अभी ये NO के अंदर SC में आ गए। हो सकता है किसी ने एडिट किया हो पहले का, या हो सकता है सही हो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस से है। तो इस तरीके के अगर मुद्दे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो, और आपको किसी और का पता है कि भाई इसकी परसेंटेज सच में कम थी और इसने कुछ ऐसा किया है, या इसने कहीं काम ही नहीं किया, उसने फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाए, आपको अच्छे से पता है विद प्रूफ, तो आप कोर्ट जा सकते हो, वो एक जाहेज एक जेन्यून तरीके हैं कोर्ट जाने के लिए। बाकी बेवजह आप कोर्ट जाके परेशान ना हो। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ आप हमें कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा हो तो थैंक्स लगते हैं, और यदि आपको कोई डाउट्स लग रहा हो तो कमेंट में हमें डाउट क्लियर कर सकते हो। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।